मैं बात सुन, पैसे दे, खरीदारी करनी है, तेरी बीवी की बरी लानी है। ये देख, ये दूसरी आ गई। पैसा पैसा, अबे नहीं है मेरे पास पैसा, जाके अम्मा से पूछ जो अपने बगल में दबा कर बैठी हुई है। 50,000 दिए अम्मा ने, बाजार जाके देख 50,000 में आता क्या है। महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ के रखी हुई है। अरे कोई तो जमा पूंजी होगी तेरे पास अपनी बीवी के लिए। अबे कोई जमा पूंजी नहीं है, कंगला हूं मैं बिल्कुल तेरी तरह। क्यों, 35,000 किराया जो आता है दुकान का वो कहाँ जाता है भाई? वह मुश्किल 35,000 घर का खर्चा चलता है, और सीधा सीधा 10,000 रुपए वो सिदरा ले जाती है। अरे तू निकाल देना उसे, अब बहू आ रही है तो नौकरानी की क्या जरूरत भला? ओ मैडम, वो नौकरानी वोकरानी नहीं है, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केयरटेकर, अम्मा की केयरटेकर है, समझ रही है? अगर उसे निकाल दूंगा तो अम्मा को संभालेगा कौन? अरे संभाल लेगी वो, तुझे पता है सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की है वो। और बात सुन, और तू भी ना अब इंसान बन जा, अरे कुछ कमाना शुरू कर दे, या सारी जिंदगी के लिए सोच लिया कि ऐसी तखत तोड़ता रहेगा और बीवी की कमाई खाता रहेगा? क्या वाकई वो कमाती है? हाँ सुना है कहीं जवाब करती है। हाँ वो छोड़ दी उसने जॉब। क्यों भाई, तुझे क्या एतराज था भला? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो चाहता हूँ पैसा आए, मगर वो कौन है वो लंबा चौड़ा घोड़े के मुंह वाला? हाँ बख्तियार, बख्तियार ने मुझे बताया था। चल खैर, जब इस घर में आएगी ना तो उसकी पूरी आंखें खुल जाएंगी कि कितनी गुर्बत टपकती है यहाँ पे, खुद ही नौकरी करनी शुरू कर देगी। वैसे ना एक बात है, दिल तो नहीं चाह रहा मेरा, लेकिन तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। पूरे खानदान में इतनी हसीन बहू ना किसी की आई है और ना आएगी मेरे भाई। मानती है ना अपने भाई को? और ये पूरे खानदान में हमारी अम्मा जैसी कोई औरत नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी इनकी खांसी खत्म नहीं होगी। आ रही हो? हाय अम्मा, तू भी ना बड़ा टेंशन देती है। उजाला।